आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को लौकी की सब्जी बनाने के लिए सिखाऊंगी। उसके लिए ये सामग्री लगेगा, मैं दिखा रही हूँ। उसके लिए ये लौकी, ये लहसुन अदरक है, ये चने का दाल है, भिगो के मैं रखी थी 1 घंटा पहले उसको रखी हूँ। और ये टमाटर है, मेथी दाना है, नमक है, हल्दी है, सरसों का तेल है। अब मैं इसे कुकर में पकाऊंगी। मैंने अपना कुकर से इसे मैं गरम होने दूंगी। कुकर गरम हो चुका है, इसमें सरसों का तेल डाल दूंगी। 2 चम्मच जैसे सरसों का तेल मैंने लिया। मेरी लौकी जो है सो आधा के जी की है, 500 ग्राम की लौकी। दोस्तों अब मैं इसमें ज्यादा नहीं मिर्ची डालूंगी, मैं आधा टुकड़ा ही मिर्ची डालूंगी। मिर्ची थोड़ा कुछ चुका है तो मैं इसमें इतनी सी मेथी डालूंगी, ज्यादा मेथी डाल दी। अब दोस्तों ये मैं प्याज डाल रही हूँ, मैं कम कर दी हूँ। और इसमें प्याज को भून दूंगी। प्याज सुनहरा हो चुका है, अब मैं उसमें लौकी को डाल दूंगी। इसमें अब नमक डाल रही हूँ। देखिए दोस्तों नमक मैं कितने लिए हैं, मैं बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालूंगी। दस मिनट तक मैं ऐसे ही इसे भूनती रहूंगी। लहसुन अदरक जो है, मिर्ची थोड़ा सा ले ली हूँ, इसे मैं पेस्ट बना लूँगी। Thank you.
झूलती का है, देखो अपने लौकी पानी पानी जैसा दिखने लगा है। और मैं इसमें चने की दाल डालूंगी, ज़्यादा हल्दी नहीं डालूंगी। आप देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ा सा हल्दी लिया है, इसे मैं डाल दी। इसमें लहसुन अदरक जो मैंने पीसी थी वो मैं पूरी तरह पूरा नहीं डालूंगी, जितना पेस्ट है उतना ही डालूंगी। और ये टमाटर मैं डालूंगी, सारा मसाला मैंने डाल दिया है इसमें। और मैं इसे अब हमारी लौकी की सब्जी तैयार हो चुकी है। आप देखो दोस्तों, ये थोड़ा थोड़ा ग्रेवी टाइप में है, मैं इसे थोड़ा सा और पानी को सूखने के लिए छोड़ दे रही हूँ। ये जांच करके ताकि पानी थोड़ा सूख जाए। हमारी सब्जी लौकी की तैयार हो चुकी है। अब आप इस सब्जी को चावल के साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ किसी से भी खाओ, आपको अच्छे लगेंगे। हेलो दोस्तों, हमारी सब्जी कैसी लगी आप खुद बना करके देखना, टेस्ट आई कि नहीं और कैसी दिख रही है उसके लिए आप कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों।